लाइफ साइकिल ऑफ स्ट्रॉन्गी लाइट, स्ट्रॉन्गी एंड लाइट्स। स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्गी से क्या मुराद है? स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि ये अडल्ट फॉर्म में भी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है और लार्वा की फॉर्म में भी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। और लाइट्स के एल से हम याद कर लेते हैं वही दो चीज़ें, यानी कि लंग्स एंड लार्वा। लार्वा दो तरह का होता है, वही रैबिड फॉर्म लार्वा जो कि नॉन इन्फेक्शन लार्वा होता है, और फाइलेरी फॉर्म लार्वा जो कि हमारे पास इन्फेक्शस लार्वा होता है। दोनों में एफ की साउंड है, ये फाइलेरी फॉर्म और इन्फेक्शन दोनों में एफ की साउंड है। अब तो ये, और ये लार्वा की स्टेज में ही, लाइट्स के एल से ये लार्वा की स्टेज में ही बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्शन लार्वा कौन सा होता है? फाइलेरी फॉर्म लार्वा। तो फाइलेरी फॉर्म लार्वा बॉडी को इन्फेक्ट करता है और जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स में चला जाता है, एल से लॉइड्स, लॉइड्स के एल से लंग्स, ठीक, लंग्स में चला जाता है। एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ट्रेकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स ही होते हुए फिर दोबारा जीआईटी ट्रैक्ट में और इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच के लार्वा एडल्ट बना देता है, लार्वा एडल्ट वर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर ये जो एडल्ट वर्म्स होते हैं ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एग्स होते हैं वो बॉडी को, बॉडी फीसिस के थ्रू बॉडी से नहीं जाते, वो बॉडी को लीव नहीं करते, बल्कि बॉडी के अंदर ही ये एग्स कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा के अंदर। कौन सी लार्वा के अंदर कन्वर्ट होते हैं? रैबिड फॉर्म लार्वा, जो नॉन इन्फेक्शस लार्वा होता है उसमें ये बॉडी के अंदर ही कन्वर्ट होती हैं और फिर ये रैबिड फॉर्म लार्वा फीसिस के थ्रू पास कर जाते हैं। मगर कुछ रैबिड फॉर्म लार्वा बॉडी के अंदर ही परसिस्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं फाइलेरी फॉर्म लार्वा में या इन्फेक्शस लार्वा में, और ये लार्वा फिर से लंग्स को अफेक्ट कर देता है, इन्फेक्शन काज कर देता है। इसको हम नाम दे देते हैं ऑटो इन्फेक्शन का। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग से हमने मुराद लिया था कि ये लार्वा एडल्ट स्टेज में भी इन्फेक्ट करता है, लार्वा स्टेज में भी इन्फेक्ट करता है, लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ लार्वा तो चले जाते हैं लेकिन कुछ लार्वा बॉडी के अंदर रहते हैं ताकि वो बॉडी को इन्फेक्ट कर सकें। स्ट्रांग है, लार्वा भी इन्फेक्ट कर सकता है। कैसे इन्फेक्ट करता है? वो फाइलेरी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होकर जो कि लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन, ऑटो इन्फेक्शन। मगर जिनको एड्स होता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनके केस में ये हाइपर इन्फेक्शन काज कर देता है। हाइपर इन्फेक्शन कैसे काज करता है? कि जस्ट लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता बल्कि बाकी जो बॉडी के ऑर्गन है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। जब फीसिस के थ्रू इनके लार्वा पास कर जाते हैं और ये वहाँ पे हमारे पास मॉइस्ट सोइल के अंदर जाके एडल्ट वर्म बना देते हैं, मेल एंड फीमेल एडल्ट वर्म बना देते हैं। वहाँ से फिर एडल्ट वर्म जो होते हैं वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग्स से फिर लार्वा, लार्वा से फिर एडल्ट, एडल्ट से फिर लार्वा। और जब जो फाइलेरी फॉर्म लार्वा के केस में होते हैं तब वो बॉडी को इन्फेक्ट कर जाते हैं।